हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट और डीएलएड से एक इम्पॉर्टेंट जुड़ी हुई टॉपिक। तो इस मेरा टॉपिक है अधिगम, यानी कि मेरा टॉपिक है अधिगम लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग के ऊपर कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का क्या मतलब अधिगम से संबंध है, विकास का अधिगम से क्या संबंध है। तो इसमें हमने शामिल किया है कि सबसे पहले कि अधिगम यानी कि लर्निंग का अर्थ क्या होता है। तो लर्निंग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सीखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। लर्निंग कहने का मतलब हो गया, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और लर्निंग का मतलब होता है कि सीखना। किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, अधिगम बोल सकते हैं, लर्निंग बोल सकते हैं। तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, यानी कि जब तक इंसान के अंदर जीवन है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है और जिससे हम कुछ ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं और अपने व्यवहार में, यानी कि अपने जो मतलब आम जीवन लाइफ होता है उसमें हम लोग क्या लगता है, चेंजेस लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जिस जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि बच्चा का जैसे ही जन्म होता है उसके बाद से ही बच्चा क्या होता है, सीखना चालू कर देता है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग के माध्यम से ही हम कुछ ज्ञान को अर्जित करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और फिर उसी परिवर्तन के आधार पर हम अपने जीवन स्तर को मतलब सही या सुचारू रूप से संचालित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग से क्या होता है, आदमी यानी कि व्यक्तित्व में क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है और जिसके द्वारा क्या होता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। क्योंकि हम सभी चीज़ें यहाँ एक सीखते हैं, ये लर्निंग कर लर्न करके ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और जो 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 सीखते हैं वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर हमारे जीवन के जो लक्ष्य होते हैं क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। यानी कि जैसे ही इंसान यानी सीखना चालू कर देता है वैसे वो धीरे धीरे अपने समाज, अपने देश, अपने आस पड़ोस को क्या करता है, समझना चालू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे दुनिया को भी समझने का चालू कर देता है कि मतलब क्या क्या मतलब दुनिया में घटना घट रही है, उसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा हम लोगों पे, क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब हमें अधिगम के बाद से ही पता चलता है, क्योंकि बिना अधिगम यानी कि बिना लर्निंग के हम सभी चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। तो लर्निंग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है जो एक मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी मतलब सहायक साबित होता है। बिना लर्निंग के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं अभी के युग में, क्योंकि अभी बिना लर्निंग के मतलब जीवन एक समझिए कि मतलब जीवन मतलब है ही नहीं, कि बिना अधिगम के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं अभी के ज़माने में। तो लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के ज़माने में। ये मैंने नोट में शामिल किया इसमें कि जैसे यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। यानी कि अधिगम किसे कहा जाएगा, तो अधिगम मतलब कि यदि कोई छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ को पढ़ा और उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है, तो वह मतलब एक उत्पादन मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया होगा वह क्या होगा, अधिगम कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी चीज़ को हम पढ़ लिए और बस उसको रट लिए और याद कर लिए तो वो अधिगम मतलब सही रूप से नहीं कर ला पाएगा, क्योंकि अधिगम का मतलब हुआ कि आप कुछ चीज़ सीखे तो उसमें कुछ चेंजेस लाए और उसके मतलब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो वो हमारा अधिगम मतलब काफ़ी ठोस होगा और अच्छा होगा। सिर्फ रट के मतलब जो अधिगम होता है वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने में एवं उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब हुआ कि जो मतलब रियल में मतलब जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को मतलब दिखा के या फिर उससे सीख के मतलब जो बदलाव लाते हैं हम लोग अपने उत्पादन में वो हमारा लर्निंग होता है। सिर्फ किसी जानकारी को इकट्ठा कर लिए तो वो अधिगम मतलब सही नहीं होता है। सिर्फ रट के हम किसी चीज़ को सीख गए तो वो अधिगम मतलब सही नहीं हो पाता, ज़्यादा दिन तक आपके टिकाऊ नहीं होंगे। तो लर्निंग कहने का मतलब कि लर्निंग ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसके मतलब उससे कुछ सीखे और उसे अपने जीवन में उतारे और मतलब उससे मतलब अपने देश के आगे बढ़ाने में प्रयास करें, फिर अपने समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो वो अधिगम काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होता है।
अब हम बात करेंगे अधिगम के संबंध में विद्वानों की राय, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के संबंध में यानी कि लर्निंग के संबंध में कुछ मतलब अपनी राय रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गेट्स के अनुसार कि गेट्स ने क्या बोले थे अधिगम के संबंध में। तो उन्होंने बताया था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यानी कि अनुभव यानी कि अनुभव द्वारा ही व्यवहार में रूपांतर यानी कि चेंजेस लाना क्या है अधिगम है। किसी भी चीज़ को हम पढ़े उसके अनुभव के आधार पर अगर अपने व्यवहार में हम चेंजेस ला रहे हैं तो मेरा क्या हो गया अधिगम कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा मतलब मनोवैज्ञानिक नेक्स्ट हमारे यहाँ कि ई ए पिल के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है, एक परिवर्तन है व्यक्ति में, एक परिवर्तन है व्यक्ति में क्या है चेंजेज है जो उसके वातावरण उसके इन्वायरमेंट के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी कि अधिगम एक परिवर्तन है जो मनुष्य के जो उसके आसपास के वातावरण होते हैं उसके अनुसरण में होता है, वही क्या है अधिगम कहलाता है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे जो उन्होंने बताया था, उनका नाम था ई ए पिल के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि अधिगम क्या है, एक परिवर्तन है जो इंसान मतलब जो व्यक्ति के वातावरण के आसपास में जो उनके अनुसरण में होता है वही अधिगम कहलाता है। थर्ड हमारे हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार, उन्होंने क्या बताया था अधिगम के संबंध में कि सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि लर्निंग क्या है, आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है, यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। यानी कि क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या था कि सीखना क्या है, आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन तो है, साथ साथ व्यक्ति के अंदर क्या है व्यवहार में क्या है परिवर्तन होता रहता है और ये व्यक्ति को मतलब उसके जो लक्ष्य होते हैं उसको मतलब सफल बनाने में या व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचाने में अधिगम क्या होता है मतलब उत्तरदायी तो होता है कि व्यक्ति अगर सही से अधिगम करेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और वो उसके जीवन के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकास का अधिगम से संबंध क्या है। ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट को शामिल किया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कि विकास जो है ना विकास जो है विभिन्न पहलुओं से मतलब आपस में क्या है अधिगम से क्या है घनिष्ठ संबंध है उनका और ये मतलब काफ़ी मतलब अधिगम को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेरा पॉइंट है कि शारीरिक विकास के उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया तीव्र एवं अस्थायी रूप में होती है और शारीरिक विकास की अच्छी स्थिति न होने पर अधिगम की प्रक्रिया धीमे हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट के कहने का मतलब हो गया कि शारीरिक विकास अगर बच्चा का सही नहीं है तो उसका क्या होगा अधिगम सही नहीं हो पाएगा, अगर किसी बच्चा का शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका अधिगम क्या होगा सही होगा। तो इस पॉइंट में वही है कि शारीरिक विकास के उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया तीव्र एवं अस्थायी रूप में होती है, और किसी बच्चा का शारीरिक विकास अगर सही है तो उसका अधिगम की जो प्रक्रिया होगा क्या होगा तेज़ी से होगा और अस्थायी रूप से अच्छा होगा, और अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो उसका अधिगम की प्रक्रिया क्या होगा अच्छा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति ही अधिगम को उच्च एवं अस्थायी बनाती है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति ही अधिगम को क्या बनाता है उच्च एवं अस्थायी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रस्त करती है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब हो गया कि जो सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही क्या होता है प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रस्त करती है, यानी कि रास्ता दिखाती है कि सही मार्गदर्शन क्या है वो लर्निंग के माध्यम से ही हम अपने समाज के में रहकर ही सीखते हैं कि सही मतलब दिशा क्या है समाज में क्या कैसे रहा जाता है समाज में कैसे बोला जाता है या फिर समाज में किसी घटना के प्रति कैसे सोचेंगे कि उसका क्या पॉजिटिव मतलब दिखाई दे समाज में, तो वो आपको लर्निंग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संवेगात्मक स्थिरता के माध्यम से ही बालक संतुलित कार्य व्यवहार सीखता है। यानी कि अगर बच्चा सही से लर्निंग कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा संवेगात्मक विकास उत्पन्न होगा और संवेगात्मक विकास के माध्यम से बच्चे मतलब क्या हो गए संतुलित व्यवहार करना मतलब किसी के साथ कैसा व्यवहार करना वो सब क्या होता है सीखते हैं धीरे धीरे ही लर्निंग के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर ही छात्र नैतिक कार्यों एवं गतिविधियों को सीखता है। यानी कि बच्चे के अंदर जैसे जैसे लर्निंग की प्रक्रिया होती है वैसे वैसे उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट का भी विकास होता है और वैसे वैसे वो बहुत सारे कार्यों में क्या होता है भाग लेता है बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेता है और उससे भी वो कुछ सीखता है जो उसके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानसिक विकास के आधार पर ही बालक द्वारा तर्क चिंतन एवं खोज संबंधी गतिविधियाँ सीखी जाती है। यानी कि बच्चे के अंदर अगर लर्निंग सही से हो रहा है
तो उसके जो मानसिक विकास होगा उसी के आधार पर बालक द्वारा क्या होगा, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता एवं खोज करने की क्षमता क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सब लर्निंग के माध्यम से बच्चों के अंदर होगा। तो मतलब हमने इस टॉपिक में, इस पॉइंट में, इस वीडियो में हमने बात किया कि अधिगम क्या है, फिर अधिगम का विकास से क्या संबंध है और कुछ मनोवैज्ञानिकों की राय अधिगम के लिए क्या क्या है। तो ये वीडियो आपके CTET DLED के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को मतलब अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।